हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ट्रैक मेंटेनर का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, ठीक है। इसमें कितना इनका काम होता है, क्या काम करना पड़ता है इनको, कितनी सैलरी मिलती है इन्हें, क्या कितना अलाउंसेस मिलते हैं, क्या ट्रेनिंग पीरियड होता है इनका, कितने दिनों का ट्रेनिंग पीरियड होता है, ड्यूटी घंटे कितने का होता है, ठीक है। इनको कितने हॉलीडेज़ मिलते हैं, प्रमोशन कितने मिलते हैं, किस बेस पर होता है इनका, और फैसिलिटीज़ देखेंगे। तो चलिए लेट नहीं करते, हम लोग आज का पहले देखते हैं इनका काम क्या होता है। तो इनका काम होता है टू कीप एन आई ओवर द ब्रेकडाउन ऑफ ट्रैक्स, मतलब ट्रैक का कहीं भी ब्रेकडाउन होता है तो उस पर नज़र रखना, है ना। सेकेंड पॉइंट है प्रोवाइड प्रॉपर सेफ एंड स्मूथ ट्रैक टू द ट्रेन्स, ठीक है, एक सही ट्रैक देना। तीसरा पॉइंट है लुक ओवर आफ्टर एवरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द ट्रैक लाइन ओवरऑल टू एंश्योर द प्रॉपर कंडीशन ऑफ ट्रैक्स। ट्रैक्स मेंटेनर है तो काम उनका क्या होना चाहिए, ट्रैक का पूरा कंप्लीट मेंटेनेंस रखना, ठीक है। तो ये हो गया इनका वर्क प्रोफाइल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इनका सैलरी। तो सैलरी क्या होता है इनका, तो ट्रैक मेंटेनर का सबसे ज़्यादा सैलरी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप डी एम्प्लॉयज़। इनकी सैलरी क्यों सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इन्हें रिस्क अलाउंस भी मिलता है, ठीक है। तो ट्रैक मेंटेनर का बेसिक पे कितना होता है, तो बेसिक पे होता है 18,000 और DA इनको मिलता है 12% 2160 रुपये, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस 960 रुपये का मिलता है और 960 से 1800 तक मिलता है ये, ठीक है, 1800 तक मिलता है। हाउस रेंट अलाउंस इनको मिलता है 2880 का, रिस्क अलाउंस मिलता है 2700 का, यही डिफरेंस क्रिएट करता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है इन्हें 1500 रुपये का और नेशनल हॉलीडे अलाउंस भी मिलता है 437 का। तो इस तरीके से एट एन ओवरऑल देखा जाए तो 28,637 रुपये बनता है एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ का लगभग 22,000-23,000 रुपये बनता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सैलरी स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखते हैं इन लोग का कि इनकी ट्रेनिंग पीरियड कितने की रहती है, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड में क्या क्या होता है और कितने दिनों की होती है, तो इनका ट्रेनिंग पीरियड लगभग रहता है आपका 25 से 30 डेज, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड कितने दिन का होता है इनका, 25 से 30 डेज। और इस ट्रेनिंग पीरियड में क्या होता है, इन लोग को पूरा सिखाया जाता है कि आप लोग को कैसे ट्रैक को मेंटेन रखना है, पूरा इन लोग का कंप्लीट डिटेल्स बताया जाता है ट्रेनिंग पीरियड में, ठीक है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे ड्यूटी आवर्स की, कितने घंटे की इनकी ड्यूटी होती है, तो इनकी 8 से 10 घंटे की ड्यूटी होती है, ठीक है। 8 से 10 घंटे की इन लोग की नॉर्मल ड्यूटी होती है, और अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो आपको ओवर टाइम का भी पैसा मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया ड्यूटी का। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, तो हॉलीडेज़, इनकी हॉलीडेज़ कितनी होती है। तो 1 वीकली हॉलीडे होता है, 10 कैजुअल लीव होता है, 30 LAP मीन्स लीव ऑन एवरेज पे, एंड 20 LHAP मीन्स लीव ऑन हाफ एवरेज पे। तो ये सब होते हैं हॉलीडेज में इनके, ठीक है। कैजुअल लीव मिलता है, कैजुअल लीव 10, 30 LAP एंड 20 LHAP। और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इनकी फैसिलिटीज़ में। तो फैसिलिटीज़ ग्रुप डी वाले को मेडिकल फैसिलिटीज़ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मिलती है। वैसे ये सारे एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, सिर्फ ग्रुप डी के नहीं, रेलवे के सभी एम्प्लॉयज़ को मिलती है। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ ये हो गया, है ना। और मेडिकल फैसिलिटीज़ में मेडिकल जो होता है ना, अब ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का लास्ट पॉइंट है वो है प्रमोशन। तो प्रमोशन होता है सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन होता है, और सेकंड जो प्रमोशन है वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है 3 साल की सर्विस के बाद, ठीक है। तो प्रमोशन ये दो हिसाब से होता है, और अगर और भी तरीके हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम दिला के फाइट कर लीजिए, ये आपका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे। तो ये ओवरऑल हो गया ग्रुप डी की, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आप लोग को RRB ग्रुप डी में और भी अच्छे वीडियोज़